ये पीवीसी कार्ड, ये देखिए ये पीवीसी कार्ड, देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये है यूडीआईडी कार्ड, विकलांग कार्ड। सो हेलो, आप लोग कैसे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूडीआईडी कार्ड कैसे जो है आप लोग मंगाएंगे। अगर जो आप लोगों का यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है तो कैसे बनवाएंगे। मेरे पास जो है देखिए पीवीसी कार्ड जो है आ चुका है, यूडीआईडी कार्ड का, ये है पीवीसी कार्ड और ये इसका मैंने डाउनलोड किया हुआ कार्ड है। तो ये कार्ड जो है मैंने कैसे मंगवाया है और कैसे बन के आया, मेरे पास कितने दिनों में बन के आया, क्या प्रोसेस था और आप लोगों को क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी साइबर कैफ़े में जाना या फिर आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका जो है ऑनलाइन करने का वेबसाइट है swavlamban.gov.in, आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ पर जो है आपने अप्लाई करना है यूडीआईडी कार्ड के लिए। तो यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको जो है फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, जस्ट और कुछ नहीं लगेगा। तो अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करने के बाद जो फॉर्म निकलेगा वो फॉर्म निकाल के उसका एक जीरोक्स निकाल के और उसके साथ आधार कार्ड अटैच करके दो फोटो लेके आपको पहुंच जाना है सदर अस्पताल। अप्लाई करने के जस्ट तुरंत बाद ही आपको चले जाना, जब भी आपको मौका मिले, एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद। उसके बाद आपका जो है वहाँ पे जांच होगा डॉक्टर के द्वारा, पहले फॉर्म सबमिट होगा, वहाँ पे फॉर्म जमा कर देंगे आप यूडीआईडी कार्ड के ऑफिस में जाके। वहाँ पे एक काउंटर बना होता है, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको सदर अस्पताल में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक डेट दिया जाएगा कि आप इस डेट को आइए। फॉर्म जमा करने के बाद आपको डेट दिया जाएगा, उस डेट को आपने जाना है। आपका चेकिंग होगा, डॉक्टर चेकअप करेंगे, आपका जितना भी परसेंट आपको देना होगा वो वहाँ पे दे देंगे, 40%, 50%, 60% जो भी होगा दे देंगे वो। उसके बाद आपको बोलेंगे 15 दिन के बाद आपका जो है कार्ड डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कार्ड आपका इस तरह से बनेगा, अवेलेबल हो जाएगा 15 दिन के बाद। और जैसे ही आपका ये डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ईमेल पे मैसेज भी आ जाएगा, मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपका आईडी कार्ड जो है जनरेट हो चुका है, उसका नंबर भी आ जाएगा। और उसके बाद जब ये आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा तो जस्ट 15 दिन के बाद आपको ये कार्ड भी मिल जाएगा, पीवीसी कार्ड, जो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसमें से ये पीवीसी कार्ड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पीवीसी कार्ड है, इसमें पीवीसी, ये पीवीसी कार्ड, ये देखिए ये पीवीसी कार्ड। तो ये कार्ड भी आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर में, ये भी आ जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था आपको कार्ड कैसे मिलेगा, तो उम्मीद आपको समझ आ गया। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, मैं उसका सबका जवाब देना पसंद करता हूँ, तो जवाब दूंगा। थैंक यू।